दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पूरे 50 दिनों के लंबे इंतजार के बाद तिहाड़ जेल से रिहा हो गए। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी, जिसके बाद देर रात उन्हें तिहाड़ जेल से रिहा किया गया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत दिए जाने के बाद अरविंद केजरीवाल अब 1 जून तक जेल से बाहर रहे और इस दौरान वो चुनाव प्रचार कर सकती है। जेल से बाहर आने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब कई रैलियों और जनसभा में हिस्सा लेंगे। इसकी शुरुआत सबसे पहले कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर में जाकर और भगवान के दर्शन करने के साथ करेंगे। इसके बाद दोपहर 1 बजे आम आदमी पार्टी के कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन भी किया गया। मुख्यमंत्री शुक्रवार को जैसे ही तिहाड़ जेल से बाहर निकले, उन्होंने भगवान हनुमान का शुक्रिया अदा किया। जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने देश से तानाशाही खत्म करने के लिए जनता का समर्थन मांगा है। बता दें कि जैसे ही अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए तो तिहाड़ जेल के बाहर हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने नेता के स्वागत के लिए मौजूद थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 50 दिन की हिरासत के बाद शुक्रवार को तिहाड़ जेल से बाहर आने पर भगवान हनुमान को धन्यवाद दिया और देश से तानाशाही खत्म करने की अपनी लड़ाई में जनता से समर्थन मांगा। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक को उच्चतम न्यायालय ने पहले दिन में आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन के मामले में 1 जून तक की अंतरिम राहत दी है। शीर्ष अदालत ने केजरीवाल को 2 जून को आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है। आप नेताओं ने कहा कि केजरीवाल को दी गई अंतरिम राहत आप और इंडिया गठबंधन दोनों के अभियान के लिए बाजी पलटने वाली होगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव आगामी हफ्तों में महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश कर रहा है। विपक्षी नेताओं ने भी केजरीवाल की अंतरिम जमानत का स्वागत करते हुए कहा, लोकतंत्र बचाने की लड़ाई अब और अधिक गति पकड़ेगी। बाहर आकर अरविंद केजरीवाल ने जनता को संबोधित किया और कहा कि आपसे निवेदन है, हमें सभी को मिलकर देश से तानाशाही खत्म करनी है, तानाशाही से बचाना है। मैं तन मन धन से लड़ रहा हूँ, तानाशाही के खिलाफ संघर्ष कर रहा हूँ। आज आपके बीच आकर अच्छा लग रहा है। कल सुबह 11 बजे कनॉट प्लेस हनुमान जी के मंदिर में मिलेंगे, हनुमान जी का आशीर्वाद लेंगे, उसके बाद 1 बजे पार्टी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। दिल्ली के मंत्री आतिशी ने कहा कि केजरीवाल की रिहाई सिर्फ आम आदमी पार्टी के लिए नहीं पूरे देश के लिए बड़ा अवसर है। वहीं सुनीता केजरीवाल ने पति को अंतरिम जमानत देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लोकतंत्र की जीत बताया और कहा कि राहत लाखों लोगों की प्रार्थना और आशीर्वाद का परिणाम है। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए सबसे बड़ी और अच्छी खबर ये है कि वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं। हालांकि कोर्ट ने इसके साथ एक शर्त भी रखी है। दरअसल उन्हें जिन शर्तों पर जमानत मिली है उसके अनुसार वो चुनाव प्रचार और अपने उम्मीदवारों के लिए रैली में हिस्सा तो ले सकेंगे, लेकिन जिस मामले में उन्हें जेल जाना पड़ा है उसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में साफ साफ कहा है कि दिल्ली के सीएम 11 मई से 1 जून के बीच चुनाव प्रचार करेंगे, लेकिन इस केस से संबंधित बात नहीं करेंगे। इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ चुनाव प्रचार कर पाएंगे, लेकिन अपने केस को लेकर कुछ सफाई नहीं देंगे।